राखी पता के मिठाई नहीं मिला, ईशाना ने बहाई कर मिठाई नहीं दिया, मिठाई नहीं दिया। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बजने वाले हैं 10 और आज है रक्षाबंधन, तो मैं जाने वाली हूँ घर। और अभी पर मैं बांधूंगी राखी, उसके बाद जाऊँगी। तभी जो रूम है हम लोग का है, अभी बहुत सारा सामान है पड़ा हुआ, तो समेटना है मुझे, सब बिखरा पड़ा होगा। तो शादी से पहले हम लोग इसी रूम में रहते थे, अब भी आते तो इसी रूम में ही रहते हैं। तो ये पर्सनली हम लोग का रूम, और मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि अभी घर पे कौन कौन क्या कर रहा है। और अभी जो मेहंदी है मैं दिखाई थी कल रात में लगाई थी, तो इतना चढ़ा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत मेहंदी लगाई हुई है। तो एक हाथ का मैं दिखा दी, एक हाथ में मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और इधर आकृति हो गई है तैयार, बाबू भी तैयार बैठा हुआ है। तो इधर मेरी क्यूटी जो है वो नहा के आई है, वो नहा के सोया हुआ है। कैमरा पकड़ोगी तुम? कैमरा पकड़ोगी? कोई कैमरा पकड़ता है, कोई पकड़ता है, कोई पकड़ता है, कोई पकड़ता है। इसको ऐसे करते हैं तो खेलती है। और इधर बारिश की वजह से सारा सामान रखा हुआ है धूप में सुखाने वाला। चलती हूँ देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है। बना रही है मेरी दाल की पूड़ी, ये है दाल और ये है पूड़ी। तो इसमें से मैं ले जाऊँगी बनारस भी कुछ पूड़ियाँ। और आकृति के नानू को चाहिए खाना। अभी ना मैं यहाँ पर पापा जी का लंच लगा के नीचे ले जा रही थी, और सीढ़ी भी मेरे से सब्जी छलक गई, तो मैं भी फिर दोबारा से इसको साफ की। ऊपर राखी सब थाली में लगाओ, मैं थाली सजा ली रक्षाबंधन वाली, और भाई को भेज दी मिठाई के लिए, बाबा को भी दे दी लंच करने के लिए, पापा को भी दे दी नीचे। क्या हाँ सब रखो, तो तैयारी होगी रक्षाबंधन की। ये जो लड़की है ना बहुत चोर है, जब मन करता मेरे घर चली जाती है, जब मन करता चली जाती। और जो वो बैठी है पीछे कपड़ा इतना करते हुए, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, हर काम कर देती है, मेहंदी लगा देती है, तारीफ है। अरे मेरा रखो ना जगह, गोपाल जी को रखो मंदिर में। चलो पहले कौन बांधेगा, आकृति उनसे बनवा दी उस पेपा की, पेपा की पापा पहले पेपा बनिए अपने दिमाग में आती है, पहले पेपा बांधेगी तो पेपा का दिमाग बढ़ेगा। चलो दिमाग तो बांधवाओ, देवांशु लगा देगा टीका उसको। ये आकृति हार जाओ, वो बिना पादी का ही लगा लेगा। भैया को लगा दी, भैया को बे तू। चलो दिया एक ही बजे, अभी मैं जलाऊं, मैं जलाऊं, इसको बांध दो पहले, उसको बांधने दो। राखी पता के मिठाई नहीं मिला, ईशाना ने भाई को मिठाई नहीं दिया, मिठाई नहीं दिया। अच्छा कर दे, हाँ कर दे, हाँ। अब बाबू का आकृति खिलाएगी, अभी खिला दो भैया को। चलो भैया को खिलाओ, खाओ खाओ दीदी खिलाइए, दीदी खिलाइए, अब तुम खिलाओ। पूरा हाथ में जमा चलो पकड़ेगी, करीब पूरा खराब कर लेगी। छुआ छुआ वो छुआ दो, बस काम खत्म, खाली बाबू भी मीठा खाली, इसका हाथ दिला दो। चलो निकलो, पतली गली पर जाओ, हाथ दिलाओ राखी। हाँ बताओ, चाप तो ऐसा ऐसा राखी आ जाएगा ना, देवांशु का हाथ ऊपर तला जाएगा, राजस्थानी चूड़ा हो जाएगा। तुम जब राखी बांध ली, मिठाई खा ली, तो क्यों गाना गा रही हो, क्यों गाना गा रही हो? कैमरा क्यों पकड़ती हो? कैमरा क्यों पकड़ती हो मेरा? कैमरा क्यों पकड़ती हो? क्यों पकड़ती हो कैमरा? हम पकड़ते हैं तुमको, हम पकड़ते हैं। बस करो, ज़्यादा मत खिलाओ उसको, खाना भी खाना है। तुम क्या था दीदी के? नहीं नहीं मुझे मत खिला, मुझे खिला। चलो पेपा वो सो रही है, भैया को पैसा ले लो। छोटा था तो उतना पढ़ ली, बताओ क्या हाथ से।
निकालने के लिए आई है। जहाँ जहाँ पे मैं जा रही हूँ मेरे साथ में जा रही है, तो चलो मैं निकलती हूँ। ये आएगी बनारस तो फिर मैं से आप लोग की मुलाकात करवाऊँगी। और घर पे आती तो बहुत सारा काम करती है, बनारस रहती तो सिर्फ पापा से। और मैं पापा का प्लांट आप लोग को दिखाऊँ एक बार। ये है मेरे पापा जी का प्लांट, जहाँ पे पापा मेरे रोज़ सुबह में पानी डालते हैं, है ना करके। अच्छा छोटा सा। और ये है सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। ड्राइवर मिली है। अरे हमारे बाबू जो हम के नहीं लेके जाए दिक्कत क्यों है। जाए हम लोग रेड रेड फॉर इंड रेड फॉर इंड रेड फॉर इंड बहुत चलाक बने। जाए 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 हम लोग जाए हम लोग वो निकल गए घर के लिए अपने, पहले जाएंगे दीदी के यहाँ। और दीदी के यहाँ राखी बांधेगी आकृति दीदी के बच्चों को, फिर हम लोग पकड़ेंगे ऑटो। ऑटो से जाना है, पता नहीं कैसे जाना है, पता नहीं, बस निकल गए हैं जाने के लिए, अब चले जाएंगे। पकड़ लिया गया, अब इनको भी राखी बांधना है, जिनको बांधा जाएगा दीदी जी के यहाँ पे। और आकृति बांधेगी लच्छू को। आप पैसा नहीं देगा मरवो कभी। क्या बोला है, बोले बोले क्या बोला है। हाँ बोले। आकृति के लिए वो चाहता है कि मैं नहीं बनूं। आकृति के लिए 10 रुपए रखे हैं और अदिति के लिए 500 रखे हैं गुल्लक में से फोड़ के। इसका पहला रक्षाबंधन है ना, घर आता है इसे। चलो ये मेरे दीदी का घर। अभी अभी आकृति और दिमाग से खुलवाने वाले हैं दरवाजा। खुलो खुलो। बाप रे, देखो भाई दीदी के लिए मिठाई आया है, दीदी के लिए मिठाई आया है। क्या गिराई जी। एक किलोमीटर के बाद दीदी का रूम आएगा, चलते जाओ। ये लो भाई समोसा, रक्षाबंधन गिफ्ट, रक्षाबंधन गिफ्ट समोसा है लड्डू। इसको भी पकड़ लीजिए, रक्षाबंधन गिफ्ट। अभी हम लोग दीदी वाले रूम में आके बैठ गए और दीदी गए हम लोग को पानी लाने के लिए। बाकी दीदी के जो दोनों बच्चे अपने बुआ के यहाँ गए राखी बंधवाने के लिए, साथ में जीजा जी और उनके पापा जी भी गए हुए। तो देखिए कब तक वो लोग आते हैं, तब तक हम लोग चाय नाश्ता करेंगे बैठ के। क्या क्या बोलते हैं, कमरे की स्ट्रेटजी है कि ऊपर बैठ के हम काम चला रहे हैं, लोग का वीडियो बना रहे हैं। मेरा भी इतना ही बढ़िया बनना चाहिए। कहाँ से ले आए, एक सीखा मौसी दी हैं राहुल मामा को। चाय नाश्ता हो गया हम लोग का और दीदी जा रही राखी बांधने। तो पहले भाई को बांधेगी और फिर उसके जस्ट बगल में मौसी का लड़का है उसका, उसको तो आप लोग देखे ही होंगे मेरे कई वीडियो में, क्योंकि वो आता रहता है घर पे, तो हम लोग उसको भी राखी बांधते हैं। तो क्या बोलते हैं, दीदी बड़ी है इसलिए मैं पहले दीदी को बोल के राखी बांध ले, क्योंकि मौसी के लड़के को मैं घर पर नहीं बांधी थी राखी, तो उसको यहीं पर मैं बांधने वाली हूँ। तो पहले मैं दीदी को ही बोल दी कि दीदी बांध ले, और दीदी के बांधने के बाद फिर मैं बांधूँगी। तो हम लोग का आए हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया और जीजा जी अभी तक नहीं आए हुए हैं, शायद थोड़ी देर में आ जाए, क्योंकि उनको दीदी ने फ़ोन किया था आने के लिए और बोली भी थी कि हम लोग को लेट हो रहा है, क्योंकि भाई हमको यहीं तक छोड़ने वाला है दीदी के यहाँ, और दीदी के यहाँ से मुझे ऑटो लेना है, फिर मुझे घर जाना है, क्योंकि पापा भाई को गाड़ी नहीं दिए हैं बनारस तक जाने के लिए, क्योंकि पापा पता नहीं क्यों डरते हैं, भाई को लोकल मार्केट जो है आसपास का वहाँ तक तो छोड़ देते हैं जाने के लिए, लेकिन बनारस में और बनारस के बाहर कहीं भी गाड़ी चलाने के लिए उसको अलाउ अभी तक पापा नहीं
किए हुए हैं, इसलिए भाई हमको यहीं से ऑटो पकड़ा देगा और फिर मुझे चले जाना है। तो अभी मैं बांध रही हूँ इसको राखी, और इसके ऊपर राखी बांधने के बाद हम लोग 5 से 10 मिनट और वेट करेंगे। अगर आ जाएंगे सारे लोग तो ठीक है, तो फिर हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है मुझे। पहले हाथ देखो, देखो खुद ही अपने से टीका लगा ले रहा है। लो तुमको नहीं लगाना आता, खुद ही लगा ले। लो मैं अपने खुद ही से टीका लगा ले रहा हूँ। बोले कैसे टीका लगाती हूँ जी। हम लोग निकलने ही वाले थे तभी दीदी के जो दोनों बच्चे वो लोग भी आ गए थे, तो मैं सोची चलो इन लोग से भी बधवाई लेती हूँ, नहीं तो निकल गए होते। और जीजा जी हैं मेरे, आप लोग तो इनको देख ही होंगे इसके पहले वाले वीडियो में, जब जो भी सामने आ रहा है मैं इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में कब से कर रही हूँ, जबकि मुझे पता है कि आप लोग देखे ही होंगे। और ये बड़ा वाला है जिसको आकृति बात रही हो, बाकी छोटा वाला, छोटा वाला तो इतना शैतान है कि उसके बारे में जितनी भी बातें किए जाए कम पड़ जाएगा। तो अपने आप से ही टीका लगा लिया, उसके बाद क्या बोलते चावल वाला अच्छा जो होता है उसको भी लगा लिया। अब उसके बाद वो राखी बंधवा रहा है यहाँ पे आकृति से। निकलो चलते हैं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चलो भाई चलते हैं, चलो भाई कैमरा में चलते हैं। चलिए भाई, जीजा ने आग्रह किया है मुझसे कि इनके दुकान का प्रचार किया जाए। तो ये है जीजा जी की पेंट वाली शॉप, जिसको बोल रहे थे कि मैं प्रचार करूं। और ये वाली शॉप जीजा जी अपने पापा के लिए खुलवाए क्योंकि उनके पापा जो है रिटायरमेंट हुए मिलिट्री से, यानी कि आर्मी से, तो घर पे अकेले बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, इसलिए उनको ये शॉप खोल दी गई है। और वहाँ से हम लोग निकल गए ऑटो लेके बनारस के लिए। तो फाइनली हम लोग घर पे आ गए, और यहाँ पे आकृति की बुआ के यहाँ से, जब आकृति के पापा सुबह में गए तो वहाँ से राखी आई हुई थी, तो ये आकृति बाबू को बांध रही है, जो हमारी दोनों भांजियाँ वही भिजवाई हुई है बाबू के लिए। तो हर साल बाबू जाता था लेकिन इस बार नहीं जा पाया, इसलिए उसके उसको यहाँ पर आया हुआ है। और थोड़ी देर बाद आकृति को फ्लिपकार्ट से आया था पार्सल, जो कि आकृति ऑर्डर की थी। तो यह है आइसक्रीम ट्रक, जिसको कि आकृति फ्लिपकार्ट से मंगाई हुई है, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं उसके पापा। और जिसमें जितने भी इसमें के मटेरियल निकलेंगे अब इनको साथ में जोड़ा जाएगा, आइसक्रीम ट्रक बनाया जाएगा। तो अभी आकृति यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया, मतलब ट्रक को बनाना स्टार्ट कर दी है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग के यहाँ पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।